विधान परिषद के 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। आपको बता दें, ये सीटें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा की खाली सीटें हैं। बताते चलें कि सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के सांसद बने हैं और विनोद नारायण झा विधानसभा चुनाव में बेनीपट्टी से चुनाव जीते हैं, जिसके कारण दोनों सीटें अब खाली हैं। बीजेपी नेता विनोद नारायण झा की सीट की अवधि 21 जुलाई 2022 को खत्म हो रही है, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की सीट की अवधि 5 मई 2024 तक की है। अब ये दोनों सीटें बीजेपी कोटे की है। तो बताते चले कि विधान परिषद के इस उपचुनाव को लेकर 11 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 18 जनवरी है, तो वहीं 28 जनवरी को इन दो पदों के लिए चुनाव होगा। बताया जा रहा है ये चुनाव 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना कर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि विधान परिषद चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो दो सीटें हैं बिहार एमएलसी की, जो दो खाली सीटें हैं, उस पर जो अब उपचुनाव है वो होने जा रहा है, जो कि 28 जनवरी को, आगामी 28 जनवरी को होगा और उसी दिन शाम को इसके नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। और इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का जो भी प्रोटोकॉल है उसका निर्देश दिया गया कि उसको पालन किया जाए, इसका सख्त निर्देश दिया गया है।